नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स, आसान मासिक किस्तों पर। सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने हजारों डाक कमरिया बाबा दरबार हुए रवाना। कृष्णा डाक बम रही आकर्षण का केंद्र। नाथनगर जमीन विवाद मामले में एसएसपी ने विशेष टीम का किया गठन। मिर्जापुर गांव से कुख्यात नंदा यादव गिरफ्तार, दूसरा फरार। कारगिल विजय दिवस को लेकर वेट रन्स इंडिया की ओर से समारोह का हुआ आयोजन। सैनिक के परिजनों को किया गया सम्मानित। सूबे के भू राजस्व मंत्री और सांसद ने कांवरिया पथ में सेवा सदन दंडी भवन का किया उद्घाटन। कांवरियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। और एक माह तक चलने वाले बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास में सोमवारी पूजा को लेकर रविवार को रात्रि से ही सुल्तानगंज में कांवरियों की भीड़ जुटना शुरू हो गया है। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट पर मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा बम स्नान कर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुई। कृष्णा बम बिहार की पहली डाक कांवरिया है जो बिना रुके 16 घंटा में 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोले को जलाभिषेक करती है। कृष्णा बम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भोलेनाथ की पूजा करने से अद्भुत शक्ति मिलती है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी साल भर की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि भारत सरकार मंत्रालय द्वारा निर्गत पाकिस्तान यात्रा पर गई थी, जहां इस्लामाबाद में भगवान भोले की पूजा की और हर साल पूजा करने जाती है। मैं शिव से मेरी भक्ति जुड़ी हुई है। जहां जहां हर देश में जहां भी जानकारी मिलती है कि बाबा शिव एक अद्भुत अखंड रूप में सदियों से हैं, तो मेरी लालसा जगी। मैं पाकिस्तान यात्रा भी विदेश मंत्रालय के द्वारा गई, जहां सबसे पौराणिक मंदिर है वह आज का नहीं है। जब माता पार्वती सती हो गई थी, उस समय शंकर भगवान के आँख से दो बूंद आंसू गिरे थे। एक बूंद वही कटास जी महाराज में गिरा, जो इस्लामाबाद से कुछ दूर पर है। वहाँ एक शिवलिंग है और बाबा का एक जल कुंड है, उसमें स्नान कराया जाता है, उसे अमृत कुंड कहते हैं। मैं दिसंबर में अपने हस्बैंड के साथ दो वीज़ा मिला, जा करके वहाँ पूजा अर्चना की। और वहाँ वक्फ बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बहुत पुख्ता व्यवस्था रहती है। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा वासुकीनाथ को जलाभिषेक करने वाले कांवरियों का जत्था भागलपुर के खंजरपुर सीढ़ी घाट से रवाना हुआ। रविवार की सुबह से ही कांवरियों की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ने लगी और भागलपुर समेत विभिन्न जिलों से आए शिव भक्तों ने पूजा अर्चना कर संकल्प लिया। प्रत्येक वर्ष सावन मास में सोमवारी पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट, एसएम कॉलेज सीढ़ी घाट से गंगा जल भरकर कांवरिया बाबा वासुकीनाथ समेत जठौरनाथ, रत्नेश्वर महादेव एवं गोनू बाबा धाम के लिए जाते हैं। रविवार को कांवरियों की सुविधा को लेकर गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जबकि कांवरिया मार्ग में जगह जगह पुरुष एवं महिला पुलिस बलों की तैनाती की गई है। भागलपुर नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर शुक्रवार को दो पक्षों के बीच सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी आशीष भारती ने सिटी डीएसपी राजवंत सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया था। रविवार को मिर्जापुर स्थित गांव में पुलिस टीम ने छापेमारी कर शिव यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अपराधी नंदा मंडल पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने कहा कि जल्द ही नंदा यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर दिग्घी काना बांध पर अपराधियों ने सैकड़ों राउंड गोलीबारी की थी, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत फैल गया था। हाँ, आज छापामारी की गई, पुलिस लगातार छापामारी करेगी और दोनों का पुलिस ने अपने बयान पर केस किया है। जो लोग गोलीबारी में शामिल रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर गोलीबारी है और उसे गंभीरता से हमने लिया है। शिव यादव पकड़ा गया है, जो मुख्य अभियुक्त है, और नंदू मंडल थोड़ी देर के लिए निकल गया,
तो अति शीघ्र सारे लोग गिरफ्तार किए हैं। अखिल भारतीय सैनिक संगठन वेटरन्स इंडिया की ओर से कारगिल दिवस को लेकर रविवार को भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी निकाल कर की गई, जिसमें एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड, नवयुग विद्यालय समेत कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रभात फेरी कचहरी चौक, घंटाघर, आदमपुर, तिलकामांझी चौक होते हुए सैंडिस कंपाउंड आकर संपन्न हुई। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए युवाओं ने नगर भ्रमण किया और देशभक्ति गीतों से पूरा वातावरण रोमांचित रहा। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक एवं उनके परिवार वालों के लिए सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में वंदे मातरम समेत देशभक्ति गीतों पर नाट्य प्रस्तुति एनसीसी कैडेट, छात्र छात्राओं एवं कलाकारों के द्वारा दी गई। कार्यक्रम में कई पूर्व सैनिक एवं उनके परिवार वालों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार संत एवं जिलाध्यक्ष असीम कुमार पाठक ने की। उप महापौर राजेश वर्मा, राजीव कांत मिश्रा, संगीता तिवारी, चंदना चौधरी समेत वेटरन्स इंडिया के सदस्यों ने पूर्व सैनिक और उनके परिजनों को सम्मानित किया। मौके पर खगेश कुमार, नीतीश कुमार, रंजीत उपाध्याय, नीरज तिवारी समेत कई पूर्व सैनिक, समाज सेवी और छात्र छात्रा मौजूद थे। सबसे पहले वेटरन्स इंडिया के सभी आयोजकों को, जिन्होंने भी इतनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम को सजाया, और जितने भी हमारे शहीद हमारे सैनिक भाई शहीद हुए हैं, उनको और उनके परिवार को आज यहाँ पर सम्मान देने का काम किया गया। मैं तहे दिल से वेटरन्स इंडिया के सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ एनसीसी और स्काउट गाइड के जितने भी हमारे साथी हैं और स्कूल के बच्चों ने जितनी खूबसूरती से सैनिकों के शौर्य और ऊर्जा को यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत दिखाने का काम किया, सभी युवा साथियों ने बहुत बेहतर अपना प्रदर्शन दिखाया। मैं सभी युवा साथियों का तहे दिल से ढेरों उनको प्यार देता हूँ, सलाम करता हूँ। कांवरिया पथ के कुरवा स्थित किशनगंज सेवा सदन के नवनिर्मित दंडी भवन का उद्घाटन भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम मंडल, बाका सांसद गिरिधारी यादव, बाका एसपी सहित कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा कि कांवरियों की सेवा में तत्पर किशनगंज सेवा सदन के कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा श्रावणी मेला में कांवरियों को बेहतर सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से कई आधुनिक भवनों का निर्माण भी कराया गया है। बांका सांसद गिरधारी यादव ने कटोरिया इलाके में +2 स्तर स्कूल खोलने की जरूरत बताई। वहीं विधान पार्षद दिलीप जायसवाल ने कहा कि धन तो कई लोगों के पास है, लेकिन उसका सदुपयोग करना बहुत कम लोग ही जानते हैं। मौके पर किशनगंज सेवा सदन के कई सदस्य सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्री चावो दादी परिवार, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के द्वारा कहलगांव बटेश्वरनाथ में आयोजित बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव का उद्घाटन रविवार को संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के दौरान कहलगांव थाना इंस्पेक्टर बीएन सिंह, रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खैतान, महिला जागरण समिति की अध्यक्षा अनुराधा खैतान, जटा शंकर मिश्र, उमानंद जोशी एवं सुरेश जी तंबाकूवाला मौजूद थे। संयोजक विष्णु खैतान ने कहा कि पूरे श्रावण मास में बाबा बटेश्वरनाथ का मस्तकाभिषेक, रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती एवं अखंड संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। विष्णु खैतान ने कहा कि आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए शरबत, पानी समेत कई प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। महोत्सव के दौरान काफ़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा बटेश्वरनाथ का जयकारा लगाते हुए विश्व शांति कल्याण की कामना की। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र मिर्जापुर गांव में रुपये लेन देन विवाद में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विशु यादव ने मिर्जापुर निवासी विवेक यादव और राजेश यादव से 50,000 रुपये कर्ज लिया था। शनिवार की शाम दोनों भाई बकाया रुपये मांगने विशु यादव के घर पहुँचे, जहां विशु यादव ने रुपया देने से इनकार करते हुए अपने भाई निरंजन यादव के साथ मिलकर गोलियां चला दी।
इस घटना में राजेश यादव और विवेक यादव बाल बाल बच गए, जिसके बाद घटना की सूचना मधुसूदनपुर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विशु यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में शामिल निरंजन यादव मौके से फरार हो गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के ओल्ड पीजी कैंपस में 19 जुलाई को लॉ परीक्षा के दौरान हंगामा करने वाले छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। एफआईआर दर्ज होते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस आरोपी छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल लॉ परीक्षा में कदाचार के आरोप में पकड़े गए छात्र नेता धर्मराज को निर्दोष बताते हुए लॉ के कई छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अपील पर छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ छात्रों ने इसका जमकर विरोध कर दिया। इसके बाद स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए 9 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भागलपुर के जिला स्कूल सभागार में रविवार को बिहार राज्य शिक्षा अनुसचिवीय कर्मचारी संघ भागलपुर शाखा की ओर से जिला संघ प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि संघ की ओर से सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत बूके एवं अंगवस्त्र देकर किया गया। इस दौरान संघ के राज्य अध्यक्ष अरुण कुमार एवं संयुक्त सचिव सजिला मंत्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने संघ को मजबूती प्रदान करने और कर्मचारियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करते हुए प्रमंडल स्तर पर संघ के पदाधिकारियों को सक्रिय रहकर कर्मचारियों के हित में कार्य करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर प्रमंडलीय अध्यक्ष राकेश रंजन, सचिव राजन कुमार, जिलाध्यक्ष शशि शेखर शर्मा, पंकज कुमार समेत भागलपुर एवं बांका के कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम सभी कर्मचारी अपने हक के लिए सदा सतर्क। भागलपुर नाथनगर थाना परिसर में जमीन विवाद निपटारे के लिए शिविर में पहुंचे 58 वर्षीय चंपानगर निवासी शिवशंकर शाह की अचानक मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों और पुलिस कर्मियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। दरअसल मृतक शिवशंकर शाह का अपनी बहनों के साथ 15 वर्षों से जमीन बंटवारे को लेकर जमीनी विवाद चल रहा था। शनिवार की शाम जमीन विवाद सुलझाने शिवशंकर शाह अपने पुत्र के साथ थाना परिसर स्थित शिविर पहुंचे, जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और बेहोश होकर जमीन पर गिरने से मौत हो गई। शिविर में नाथनगर सीओ राजेश कुमार और इंस्पेक्टर अली साबरी जमीन विवाद संबंधित मामलों का निपटारा कर रहे थे, उसी दौरान यह घटना हुई। मृतक की पत्नी ने कहा कि ननद की प्रताड़ना के कारण पति की मौत हुई है। यहाँ से मतलब कोर्ट गया, कोर्ट में मतलब कुछ हो गया, टेंशन कारण हुआ, कोई कुछ बोल दिया, बेहोशी से चक्कर आने लगा खूब जोर से, वहीं से मैं बेहोश हो गया है। थाना में गया, यहाँ से ठीक गया। यही घर के मामला में घर में जबरदस्ती घुसी है, ये लोग निकल नहीं गए। मेरा घर है, लोग जबरदस्ती यहाँ ताला मार रही है, हम लोग रहेंगे, हम लोग दो रूम में रहते हैं ऊपर में, इसी कारण मेरा पति का ऐसा हाल हो गया है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के स्वच्छ भारत इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र भागलपुर की ओर से रविवार को कहलगांव गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान गंगा घाट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं से नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने
पूजा सामग्री एवं कूड़ा कचरा गंगा में नहीं फेंकने की अपील की। साथ ही प्लास्टिक तथा पॉली बैग का इस्तेमाल नहीं करने की बात कहते हुए इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। मौके पर स्वयंसेवक रवि भूषण और विकास आशिक आलोक समेत कई युवक मौजूद थे। भागलपुर शाकुंड थाना क्षेत्र में विवादित जमीन निपटारे को लेकर अंचलाधिकारी जयप्रकाश थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने शिविर लगाकर कई मामलों का निष्पादन किया। सरकारी जमीन पर गांव के ही सुरेश सिंह द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद शहजादपुर घोरपिठिया गांव में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश पर बिहार सरकार की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पूर्व में प्रशासन द्वारा नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था, जिस पर कोई पहल नहीं हुई। मौके पर अंचलाधिकारी जयप्रकाश ने कहा कि लोगों को अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई है। भागलपुर के ततारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम कैंपस में रविवार को बनाना कैंटीन का उद्घाटन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, कैंटीन प्रबंधक के राजू और गोविंद अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। प्रबंधक के राजू ने बताया कि कैंटीन में उचित मूल्य पर साउथ इंडियन डिशेज इडली, डोसा, केक, वेज और नॉन वेज बिरयानी उपलब्ध है और पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रबंधक के राजू ने बताया कि कैंटीन में उचित मूल्य पर साउथ इंडियन डिशेज इडली, डोसा, केक, वेज और नॉन वेज बिरयानी सहित पार्सल की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर इमराना ने कहा कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ स्थान पर भोजन करना चाहिए। डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने कहा कि यह भागलपुर का पहला ऐसा कैंटीन है जहां बचे हुए खाने को एनजीओ के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही गरीब मरीजों के लिए कैंटीन में निशुल्क खाने की व्यवस्था रहेगी। वहीं समाजसेवी गोविंद अग्रवाल ने बनाना कैंटीन के क्वालिटी और सफाई व्यवस्था की जमकर प्रशंसा की। मौके पर सैयद जिजा हुसैन हाली मंजूर समेत कई लोग मौजूद थे। आज कैंटीन में बिरयानी स्पेशल है, हम लोग साउथ का तलिसेरी बिरयानी बोलते हैं, वही चीज़ आज स्पेशल यहाँ सर्व किया जा रहा है सब। और इडली है, डोसा है, वड़ा है, सभी उत्तपम ये सभी बनेगा यहीं पर। और ये जो हमने शक्ल दिया है वो इसी तरह से दिया है कि आदमी खड़ा होकर नहीं बल्कि बैठ के खा सके और फैमिली के साथ खा सके। मरीज़ के साथ अटेंडेंट जो आते हैं तो दे फील वेरी इंसल्टेड कि साहब हमारे यहाँ कहाँ बैठें, अपने परिजनों से कहाँ मिलें। तो ये एक ऐसा प्लेस है जो मरीज़ के परिजनों के गेट टुगेदर का भी एक जगह बन गया है। बचे हुए खाने को हमने गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैकिंग सिस्टम रखा है और कुछ कुछ ऐसी संस्था है उनसे हमने टाई अप कर रखा है, सो दैट के खाना एक दाना भी बर्बाद न जाए और उन गरीबों तक, खास करके मेडिकल कॉलेज है और वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनमें हम पहुंचा सकें। कि भाई उन लोगों को हम लोगों को कैटर करना है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बड़े बड़े होटलों में जाना, और ऐसे प्राइस पे दें और वैसी चीज़ दें, क्वालिटी उससे शायद बेहतर देंगे, कि ऐसी बेहतर क्वालिटी दें कि वो लोग यहाँ पर आएँ। जैसे यहाँ मरीज भी रहते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, पूरा नर्सिंग होम चलाते हैं, तो उन लोगों को बाहर न जाना पड़े। उनकी सुविधाओं को देखते हुए ये कंसेप्ट दिमाग में आया कि यहाँ खोला जाए, उससे उनका लाभ होगा ही। आर्थिक लाभ की ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब को, मैं जहाँ तक समझता हूँ, लेकिन ये ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिनको बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ मरीज रहते हैं 24 घंटा, उनके अटेंडेंट यहाँ रहते हैं। उन लोगों को देखते हुए ये कंसेप्ट आया और उनका आज ये मतलब ये शुभ दिन आया कि आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। संवेद संस्था की ओर से आयोजित नाट्य कार्यशाला का समापन रविवार को भागलपुर तिलका मांझी में नाटक प्रस्तुति के साथ हो गया। समापन समारोह के दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से आए प्रशिक्षक आलोक रंजन के निर्देशन में समाज में आए दिन सामने आने वाली समस्याओं पर आधारित नाटक की प्रस्तुति कलाकारों ने दी। सभी कलाकारों ने अपने अभिनय का परिचय देते हुए रंग कर्म और अपनी कला से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। नाटक में समाज में बेरोजगारी की समस्या के साथ आत्महत्या, बलात्कार एवं किसानों को होने वाली परेशानियों को दर्शाया गया। आलोक रंजन ने कहा कि भागलपुर के कलाकारों में बेहतर कलाकार बनने की ललक है और यदि सही दिशा निर्देश मिले तो कई कलाकार बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही कहा कि बेहतर कलाकार के लिए सीखने की ललक सबसे महत्वपूर्ण है। इस मौके पर संवेद के निदेशक विक्रम, चैतन्य प्रकाश सहित कई नवोदित रंगकर्मी मौजूद थे। आज छठा दिन है और ये छठे दिन में हम एक छोटे से नाटक की प्रस्तुति भी कर रहे हैं जिसका नाम है डार्क शेड्स। ये नाटक
वर्कशॉप के दरमियान ही बच्चों के साथ मिलकर, कोई लिखी स्क्रिप्ट नहीं है, इम्प्रोवाइज़ करके ये प्ले बना है, जिसमें आप देखेंगे कि वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर ये प्ले बना है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने हजारों डाक कंवरिया बाबा दरबार हुए रवाना, कृष्णा डाक बम रही आकर्षण का केंद्र। नाथनगर जमीन विवाद मामले में एसएसपी ने विशेष टीम का किया गठन, मिर्जापुर गांव से कुख्यात नंदा यादव गिरफ्तार, दूसरा फरार। कारगिल विजय दिवस को लेकर वेट रन्स इंडिया की ओर से समारोह का हुआ आयोजन, सैनिक के परिजनों को किया गया सम्मानित। सूबे के भू राजस्व मंत्री और सांसद ने कांवरिया पथ में सेवा सदन दंडी भवन का किया उद्घाटन, कांवरियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। और एक माह तक चलने वाले बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव का हुआ शुभारंभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।